प्रतीक सहजपाल आने वाले हैं जल्द एक और नए प्रोजेक्ट के साथ। आखिरकार कौन सी बेहतरीन एक्ट्रेस के साथ इस बार प्रतीक सहजपाल को मिला है काम करने का मौका, चलिए पूरी अपडेट बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेल, आपको बता दूँ कि प्रतीक सहजपाल जी हाँ, बिग बॉस सीजन 15 के रनर अप रह चुके हैं प्रतीक सहजपाल। और इसी बीच जब प्रतीक सहजपाल के फैंडम की अगर हम बात करें तो फैंडम जो है प्रतीक सहजपाल की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और इंटरनेटली कहीं ना कहीं बिग बॉस सीजन 15 से ये बातें तो चलती ही आ रही थी कि प्रतीक सहजपाल ही रियल विनर है। इसी बीच आपको बता दूं कि बिग बॉस सीजन 15 के कई कंटेस्टेंट हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके हैं, बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और उनमें अब प्रतीक सहजपाल भी शामिल हैं। जी हाँ, अब तीसरा गाना प्रतीक सहजपाल का बिग बॉस सीजन 15 के बाद आने वाला है, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं प्रतीक सहजपाल, वो भी बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस के साथ। अब आपको बता दूं कि एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि प्रतीक सहजपाल एक्ट्रेस शिप्रा गोयल के साथ एक एल्बम सॉन्ग में नज़र आने वाले हैं। जी हाँ, ये एल्बम सॉन्ग कसौली के लोकेशन में शूट हुआ है, प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा है, सारी शूटिंग जो है ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुके हैं, प्री प्रोडक्शन का काम फिलहाल चल रहा है और इस सॉन्ग का नाम होने वाला है, इस एल्बम सॉन्ग का नाम होने वाला है सुबह से शाम तक। सुबह से शाम तक जो सॉन्ग का नाम है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो एक लव एंगल क्रिएट होने वाला है शिप्रा गोयल और प्रतीक सहजपाल के बीच में। वेल, आखिरकार आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, प्रतीक सहजपाल के इस नए प्रोजेक्ट के लिए कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल नहीं भूले। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।